आप लोगों को कमेंट करके बताना है ज़रूर से, सिल्वर एम आपको ज़्यादा पसंद है या फिर मॉन्स्टर एनर्जी ज़्यादा पसंद है या फिर कार्बन फाइबर। ये ओवरऑल आपका लाइटिंग सेटअप ऑन हो चुका है हेडलैम्प के साथ, और प्रोजेक्टर काफ़ी अच्छा थ्रो है। एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं। सो ये रहा अपने पास R15M मॉन्स्टर एनर्जी एडिशन, जिसका कि वीडियो ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो, बट आज के लिए अपने पास अवेलेबल हो चुकी है R15M सिल्वर अपडेटेड वाला वेरिएंट, यानी कि जो जो अपडेट्स अब आप लोगों को नए यहाँ पे M सीरीज़ में आ चुके हैं ना, जैसे कि ये नया वाला स्विच सेटअप और MID में भी काफ़ी कुछ फीचर्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो आज अपन लोग इन डिटेल बात करने वाले हैं R15M सिल्वर के बारे में। आप लोगों की तरफ से ना काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी सिल्वर की, स्पेशली एम मॉन्स्टर का वीडियो आने के बाद, और जो कार्बन फाइबर वाला वेरिएंट है या फिर एम में एक नया कलर ऑप्शन अवेलेबल हुआ है ना, ये भी बहुत ही जल्दी अपने पास अवेलेबल हो जाने वाला है। तो एम जैसा कि पहले एक ही ऑप्शन के साथ अवेलेबल रहती थी ना सिल्वर के साथ, बट अब एम में टोटल 3 कलर ऑप्शन अवेलेबल हो चुके हैं, एम सिल्वर, एम मॉन्स्टर और एम कार्बन फाइबर। एम मॉन्स्टर में जैसा कि अपना मॉन्स्टर एनर्जी वाला थीम है, यही आपको एम टी में भी अवेलेबल हुआ है, जिसका कि वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है, प्लस एम मॉन्स्टर का EMI वाला वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को पता ही होगा। तो एम का EMI वाला मॉन्स्टर का आ चुका है, और अभी अपना ये रहेगा रिव्यू वीडियो, एक वॉक अराउंड, उसी के बाद एम सिल्वर का EMI वाला वीडियो भी मैं अभी शूट करने वाला हूँ। तो अगर बाइक आप लोगों को EMI पे लेनी है, जैसा कि अभी फेस्टिवल सीज़न भरपूर फुल पावर ऑन है ना, तो EMI की भी आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प उस वीडियो से हो जाएगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अभी से ऑल कर लेना है। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, क्या कुछ एम सिल्वर अपडेट्स के साथ आप लोगों को ऑफर कर देती है। प्राइसिंग से स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। कलर ऑप्शन आप लोगों को मिल चुके हैं सिल्वर, मॉन्स्टर और कार्बन फाइबर, जो कि अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है। प्राइसिंग ऑन रोड जयपुर की ये रहने वाली है 2.42, 242,000 ऑन रोड जयपुर। अब अगर आप लोगों को भी R15 सीरीज़ एम, आपका कोई भी FZ हुई, यामा के कोई भी स्कूटीज़ हुए, रेजेड आर नया वाला भी अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है, अगर जयपुर से परचेज़ करनी है कोई भी यामा की बाइक, कोई भी स्कूटर, तो नीचे आप लोगों के लिए नंबर आ रहा है, यहाँ पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अच्छी डील भी मिल जाएगी अगर मेरा नाम ले देते हो, तो डिलीवरी भी जल्दी पॉसिबल हो जाएगी और टेस्ट राइड भी आपको कोई सी भी गाड़ी का, कोई सी भी स्कूटी का अवेलेबल हो जाने वाला है। 2.42, अब देख लेते हैं क्या कुछ बाइक में अपने को मिल जाने वाला है। R15 सीरीज़ आप लोगों को पता ही है, टोटल 3 बाइक्स में अवेलेबल रहती है। V3S हो जाता है, जो कि आपका बेस वेरिएंट रहता है, अभी आगे चल के वीडियो में मिल जाएगा, प्लस V4 आ जाता है। V4 भी वो रहा, V4 के भी 2-3 कलर अभी के लिए अवेलेबल है, और टॉप ऑफ द लाइन R15M सीरीज़ हो ही जाती है। तो इस टाइप से ये अपना सीरीज़ भी डन हो जाता है। फ्रंट में ये अपना वाइज़र आ जाता है, जो कि सेमी डार्क है, ये इतना ज़्यादा स्मोक्ड नहीं है, हल्का फुल्का ये स्मोक्ड वाला सेटअप मिलता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ये नहीं रहने वाला। नंबर प्लेट होल्डर आपका रेगुलर जगह पे आ जाता है, फ्रंट है हेड पे ही, जैसे कि R15 सीरीज़ में रहता है। R15M की प्रॉपर स्टिकरिंग है, ब्लू और ग्लॉसी ब्लैक वाला सेटअप। रियर व्यू मिरर कुछ इस टाइप से, जो कि अभी अपनी प्रॉपर फोल्डेड पोजीशन पे है। स्लीपर एनालिसिस क्लच अपने को यहाँ पे मिलता ही है, जो कि R15 सीरीज़ में भी और MD में भी कॉमन ही रहता है। इग्निशन ऑन कर लेते हैं और लाइटिंग सेटअप चेक करते हैं। तो चाबी तो पहले कुछ इस टाइप से है, जैसे कि यामा की सभी बाइक्स में, सभी स्कूटीज़ में ज़्यादातर में ना ये रेगुलर पैटर्न वाला की रहता है, क्लिप ऑन हैंडल बार है, ये चीज़ भी सेम ही है। MID में डिफरेंस है, जिसकी की बात अपन लोग वीडियो में आगे चल के करने वाले ही हैं। इस टाइप से इग्निशन के साथ है, ये आपका LED DRL वाला पार्ट ऑन रहेगा, प्लस यहाँ पे हजार्ड भी अपने को मिल जाता है। लाइटिंग सेटअप ओवरऑल LED है, प्रोजेक्टर भी LED के साथ, हेडलैम्प मिल जाता है और LED DRL, LED ही इंडिकेटर, अभी हजार्ड भी आगे चल के अपन लोग ऑन करके देख लेंगे। फ्रंट मडगार्ड कुछ इस टाइप से, सिल्वर कलर, कोई स्टिकरिंग मडगार्ड पे नहीं है। एम सिल्वर के साथ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं अलॉयज जो है ग्लॉसी ब्लू, ऑल ब्लैक वाला सेटअप अपने को मिलता है मॉन्स्टर एनर्जी वाले एडिशन में ना, कंप्लीट ब्लैक वाला सेटअप ये रहता है। MRF ट्यूबलेस टायर फ्रंट में मिलता है और ट्यूबलेस रेडियल टायर पीछे अपने को मिलता है। आगे का पैटर्न ये रहा, ये है अपना 100 सेक्शन का भी ग्रेडिंग अपन लोग देखते हैं, प्लस KYB का 37mm का अपसाइड डाउन सस्पेंशन यहाँ पे मिल जाता है, जिसकी की थिकनेस आप लोग देख सकते हो, और वो रहा अपना रेडिएटर। तो रेडिएटर का साइज़ भी ये आप लोग यहाँ से आइडिया कर सकते हो। उस पर गार्ड इंस्टॉल करवाना रहेगा, जिसके काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है R15M क्विक शिफ्टर। तो ये क्विक शिफ्टर यहाँ पे एज स्टैंडर्ड मिलता है, उसकी की मार्किंग यहाँ पे अपनी आ जाएगी, ब्लैक ग्लॉसी ब्लैक वाला पार्ट आपका ये फ्रंट फेयरिंग वाला आ जाता है। यामा की मार्किंग यहाँ है, छोटा मोटा एक हल्का फुल्का स्टिकरिंग का काम यहाँ पे अपने को मिलने वाला है। सो अब कवरअप कर लेते हैं ब्रेकिंग सेटअप। तो बाइब्री ब्रेकिंग है यहाँ पे अपने को फ्रंट में भी और बाइब्री रियर में भी है। फ्रंट डिस्क का साइज है 282mm, ड्यूल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल जो कि आपका स्विचेबल रहेगा। KYB की यहाँ पे ब्रांडिंग भी मिल जाती है,
एम में ही सिर्फ आपका के वाई बी का सस्पेंशन मिलता है, वी थ्री में भी नहीं है और ना ही आर वन फाइव वी फोर में ही के वाई बी का रहता है सस्पेंशन का। ट्रेवल और थिकनेस है इसकी 37 mm का। ये अपना फ्रंट ब्रेकिंग डन, रियर टायर और ब्रेकिंग भी देख लेते हैं साइड बाई साइड ना। तो टायर का पैटर्न तो ये रहा, ये है 140 सेक्शन का रियर आपका रेडियल ट्यूबलेस। सो ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है, टायर की ग्रेडिंग पीछे की है 140/70R17, आगे वाला था 100 सेक्शन का, पीछे वाला है 140 सेक्शन का। इस टाइप से कुछ रियर में 220 mm का डिस्क मिल जाता है। डिस्क का साइज और बाइब्री ब्रेकिंग, ये कैलिपर है ब्लैक वाला। टायर अगर एक पार्ट, टायर अगर ड्यूल पार्ट रियर फेयरिंग पे, स्टिकरिंग अपना जाएगा VVA वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन और वही ब्लू और सिल्वर वाला। साइड प्रोफाइल से स्पेसिफिकेशन कवर अप करते हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे अपने को मिल जाने वाला है 170 mm का, 170 mm का टोटल ग्राउंड क्लियरेंस है। सीट हाइट है 815 mm का। गाड़ी का टोटल वेट है 141 kg टोटल वेट रहने वाला है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है टोटल 11 लीटर का। यहाँ पे क्रोम में यामा का लोगो जता है, R15M एम्बलम, फ्यूल कैप, की होल पे कवरिंग, यामा मोटरसाइकिल कनेक्ट, BT कनेक्टिविटी के साथ बाइक आती है। ये ब्लू वाला स्टिकरिंग का स्ट्रिप मिलेगा प्लस ग्लॉसी ब्लैक वाला, ये एक ड्यूल टोन टाइप हो जाता है। गाड़ी का व्हील बेस है 1325 mm का, 1325 mm का टोटल आपका व्हील बेस रहने वाला है। इंजन स्पेसिफिकेशंस कवर कर लेते हैं। सो एक तो ऑयल चेंज और ऑयल फिल्टर चेंज करने के लिए सेपरेटली विंडो है, जो कि काफ़ी ईजी हो जाएगा एट द टाइम ऑफ सर्विस। बार बार ये पैनल ओपन भी नहीं करना पड़ेगा और टाइम के साथ ना ओपन होता रहेगा तो एक रेटलिंग नॉइज़ भी आ जाती है, उसके लिए ये काफ़ी अच्छा और यूज़फुल चीज़ हो जाता है। 155 cc लिक्विड कूल्ड SOSC 4 valve यहाँ पे आप लोगों को इंजन मिल जाता है। पावर रहने वाला है 18.4 PS का और 14.2 Nm का टोटल आपका टॉर्क है 6-speed गियरबॉक्स के साथ। R15M का टोटल वेट है 141 kg। इस कलर का नाम यहाँ पे जो मेंशनड है ये है वाइट मेटेलिक और गाड़ी का फ्रेम भी ना यहाँ से विजिबल है। इस टाइप से फुटपैक्स वगैरह रहेंगे। अपोजिट साइड पर आ जाते हैं और टेल सेक्शन कुछ इस टाइप से है, ये इग्निशन के साथ टेल लैंप आपका ऑन रहेगा। टेल टाइडी बड़े साइज़ का है, इसको रिमूव करवा के आप छोटे साइज़ का भी इंस्टॉल करवा सकते हो। इस टाइप का कुछ लुक आपका एक ओवरव्यू बनेगा। सीट स्प्लिट सीट है जैसा कि V4 में भी आता है, बट M में स्पेशल क्या रहता है, एक तो ये एम्ब्रॉयडरी वाला प्रॉपर मार्किंग रहेगा, प्लस ये जो कार्बन फाइबर वाला टाइप एक टच है ना, ये भी आपको टेक्सचर R15M में ही मिलने वाला है। स्ट्रैप नहीं है, मतलब ग्रिप रेल नहीं है, तो उसके लिए ये स्ट्रैप पिलियन के लिए यहाँ पे आ जाता है। अपोजिट साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे क्विक शिफ्टर एज स्टैंडर्ड मिल जाता है, जिसकी कि ये ब्लैक वाला जो प्रॉपर उसकी असेंबली है। रियर लुक साड़ी गार्ड, टायर अगर का पार्ट रहेगा और जो स्पॉकेट है उसका साइज़ भी काफ़ी इनफ अपने को यहाँ पे मिल जाता है। और जो स्विंगा में ये भी ना M में सिल्वर रहता है, चाहे वो ब्लू आपका जो सॉरी मॉन्स्टर एनर्जी है ना, उसमें भी स्विंगा में आपका सिल्वर वाला ही है। स्विच सेटअप की बात कर लेते हैं, जहाँ पर एक अपडेट है। पहले तो ये देख रहे हो स्लीपर एंड असिस्ट क्लच लाइट है काफ़ी ज़्यादा। ये रहा हजार्ड का स्विच, अब ये अपोजिट साइड आ चुका है, पहले ही अपना रहता था राइट साइड पे, अब ये आ चुका है आपका लेफ्ट साइड पे नए वाले स्विच सेटअप के साथ। हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, 3-in-1 स्विच, यहाँ है ये 4 switches हैं। MID से रिलेटेड इंडिकेटर, ड्यूल बजर में काफ़ी अच्छा और काफ़ी लाउड आपको यहाँ पे हॉर्न मिल जाएगा। सस्पेंशन कवर्स पे भी नहीं, यहाँ पे R15M की मार्किंग आपको देखने को मिलेगी, ब्लू वाला थोड़ा सा हाईलाइट आ जाएगा। ये रहा राइडर POV, गाड़ी का कुछ इस टाइप से है। हजार्ड ऑन हो चुका है, हजार्ड के साथ एक बार ना। ये रहा अपना फ्रंट वाला लुक और रियर भी देख लेते हैं। सो रियर लुक हजार्ड ऑन होने के साथ कुछ इस टाइप से ही अपना बनेगा। सो अब अपन कवर अप करते हैं जल्दी से MID और फिर करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। सुनते हैं एग्जॉस्ट नोट। तो कलर टी एफ टी स्क्रीन यहाँ पे मिल जाता है, अच्छा खासा साइज भी इसका है। ये जो एक होम स्क्रीन है इस पर आप लोगों को मिल जाता है यहाँ पे गियर इंडिकेटर। क्विक शिफ्टर स्विचेबल है, TCS स्विचेबल है, जिसको कि ऑन और ऑफ अभी आप MID इन्हीं स्विचेस के अकॉर्डिंग थ्रू कर सकते हो। प्लस क्लॉक भी आ जाता है ऊपर, ये रेवलोमीटर की लाइट है। क्लॉक ये रहा, ये रहा आपका RPM मीटर यानी कि टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, फ्यूल ट्रिप अभी शो हो रहा है और ट्रिप वन अभी शो हो रहा है। दोनों ही साइड सारी वार्निंग लाइट्स आ जाएगी अब चेंजेस करने के लिए। अप डाउन के ये वाले स्विचेस रहेंगे। सो यह आ जाता है आपका करंट फ्यूल इकोनॉमी 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग एवरेज भी है, एवरेज स्पीड, बैटरी वोल्टेज, कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल ट्रिप। सो ये सब कुछ रहेगा। ट्रिप टू अपोजिट विंडो पे और ऑडोमीटर, दो ट्रिप मीटर है और ऑडोमीटर यहाँ पे आ जाता है। अब आगे चलते हैं तो ये जो टिक वाला स्विच है इसको अपन लोग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मेन्यू आ जाएगा आपका। म्यूज़िक, नेविगेशन, 10x10 नेविगेशन भी मिल जाता है। म्यूज़िक भी अगर आप लोग हेडसेट यूज़ करते हो तो उसको कनेक्ट करके आप म्यूज़िक भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। नेविगेशन भी काफ़ी यूज़फुल और हेल्पफुल चीज़ हो जाती है, स्पेशली अगर आपके गाड़ी में मोबाइल होल्डर स्टैंड नहीं लगा हुआ, और नेविगेशन अगर आपकी गाड़ी में रहेगा ना तो आपको मोबाइल होल्डर की भी कोई ज़्यादा मेजर ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
ये एक अच्छी चीज़ है। नोटिफिकेशन जो भी आपको गाड़ी में मेल फंक्शन होगा वो यहाँ पे विजिबल होगा, वेदर अपडेट भी ले सकते हो। ये ट्रिप्स के लिए काफ़ी यूज़फुल चीज़ हो जाती है वेदर अपडेट्स भी, जहाँ भी आप जाने हों वहाँ पर आपका एक जो भी वेदर है वो कंडीशन आप लोग पहले ही पता कर सकते हो। आपका लेते हैं गाड़ी को स्टार्ट। सो काफ़ी स्मूथ स्टार्टअप, हमेशा की तरह एम में वो चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं, और एम में ही नहीं यामा के चाहे वो स्कूटी हो कोई भी बाइक हो काफ़ी अच्छा स्मूथ स्टार्टअप रहता है। ये ओवरऑल आपका लाइटिंग सेटअप ऑन हो चुका है हेडलैम्प के साथ, और प्रोजेक्टर काफ़ी अच्छा थ्रो है। एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं। सो कुछ इस टाइप का था ये अपना एग्जॉस्ट नोट R15M सिल्वर। दो अपडेट है जो कि आप लोगों को पता चली चुकी है। सेम यही चीज़ें आप लोगों को M में भी चेंज रहेगा, और M मॉन्स्टर में और कार्बन फाइबर में भी यही चीज़ें मिलने वाली है। तो अब टोटल तीन कलर में गाड़ी अवेलेबल हो चुकी है। R15M लेटेस्ट वाला 2025 इसको कंसिडर अपन कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है ज़रूर से, सिल्वर M आपको ज़्यादा पसंद है या फिर मॉन्स्टर एनर्जी ज़्यादा पसंद है, या फिर कार्बन फाइबर जो कि अभी तक नहीं आया है। यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक अलॉयज मिल जाते हैं, और जो कार्बन फाइबर वाला है ना, जिसमें कार्बन फाइबर वाला टच स्टिकरिंग मिलती है फेयरिंग पे, रियर फेयरिंग पे, वहाँ पे भी अलॉयज आपका ग्लॉसी ब्लू ही रहने वाला है। सो ये हो जाता है जी अपना वीडियो डन। कमेंट करके अपना कलर ऑप्शन बताना मत भूलना। वीडियो आप लोगों को ऐसा लगा कमेंट में ये भी चीज़ ज़रूर से बतानी है, और अगर जयपुर से हो नंबर आप लोगों को मिल चुका है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ कल रात 9 बजे। तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी, और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।